नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम माध्यमिक इंग्लिश वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से दिया गया पाठ माय ऑन ट्रू फैमिली रेड ह्यूज की कविता है। इस कविता को हम समझेंगे। इनका हिंदी भी दिया गया है, समझेंगे। उसके बाद इस पाठ में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और साथ ही ग्रामर, जो इस पाठ में ग्रामर है, और राइटिंग स्किल, उनका भी उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं। माय ऑन ट्रू फैमिली, मेरा अपना सच्चा परिवार, टेड ह्यूज। फर्स्ट स्टेंजा, पहला पद। वंस आई क्रैप्ड इन ए ओक वुड, आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टेक। कविता का पहला पद शुरुआत होता है एक बार। वंस आई क्रैप्ड, यहाँ पर आई से तात्पर्य लेखक से है, माफ कीजिएगा, कविता लिखने वाले को कवि बोलते हैं, कवि से है अर्थात पॉइट। तो टेड ह्यूज अपने लिए बोले हैं आई, तो यहाँ पर हम द पॉइट बोलेंगे। आई क्रैप्ड मतलब कि कवि धीरे धीरे गए। क्रीप मैंने रेंगना होता है, पर क्रीप का सेकेंड फॉर्म है क्रैप्ड, पर यहाँ पर रेंगने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे जाना। अब इंसान क्या रेंगेगा, दो पैर हैं, रेंगते तो है जिनका पैर नहीं होता, जैसे सांप वगैरह। तो यहाँ पर आई क्रैप्ड, मैं धीरे धीरे गया, मैं आई करके बोलूंगा अच्छा लग रहा है। वंस एक बार, आई क्रैप्ड, मैं धीरे धीरे गया, कहाँ, इन ए ओक वुड, एक ओक के जंगल में। जैसे आम होता है ना, उसी तरह कोई एक पेड़ है उसका नाम है ओक, तो हम ओक ही बोलेंगे। इन ओक वुड, ओक के जंगल में मैं धीरे धीरे गया, आहिस्ता आहिस्ता पैर दबाता हुआ। क्यों, क्या कारण है, कारण है आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा था, लुकिंग फॉर खोज रहा था, क्या खोज रहा था, ए स्टेक, एक नर हिरण, मादा हिरण, नर हिरण, यहाँ पर मादा हिरण का नहीं है, नर हिरण का स्टेक। वैसे नर हिरण को बक भी कहते हैं, BUCK, बक, और मादा हिरण फीमेल, मादा हिरण को हम लोग डियर कहते हैं, DEER, डियर, और नर हिरण को स्टेक या बक, BUCK। तो वंस आई क्रैप्ड इन ए ओक वुड, आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टेक, एक बार मैं धीरे धीरे एक ओक वुड, ओक के जंगल में गया, आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं एक तलाश कर रहा था, एक नर हिरण का, एक स्टेक का, एक बग का। आई मेट, मैं मिला एन ओल्ड वूमेन, एक बूढ़ी महिला से, देयर वहाँ, लेकिन मुझे हिरन तो नहीं मिला, पर मुझसे मिला एक कौन, एक बूढ़ी महिला मिली वहाँ। ऑल नोबली स्टिक एंड रेक, ऐसा है कि एक कविता है, कविता में शब्द दिए रहते हैं, अब उससे अभाव समझे और वाक्य बनाए खुद से। तो यहाँ ऑल नोबली स्टिक एंड रेक, तो जो नोबली गांठ वाली, स्टिक लाठी, रेक चिथरे कपड़े, तो इससे आपका क्या तात्पर्य हुआ कि महिला जो थी अर्थात बूढ़ी औरत जो थी, वह उसके हाथ में एक लाठी था, स्टिक, जो टेढ़ा मेढ़ा गांठ वाली लाठी, जिसमें गांठ होता है, ऐसा लाठी, कोई जिसको पेड़ से काटा हुआ लाठी होता है ना, सूखा टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा, ऐसी तरह टेढ़ा टेढ़ा, तो गांठ वाली लाठी, और उसका वो जो कपड़ा पहनी हुई थी, कपड़ा चिथरा था, मतलब फटा पुराना कपड़ा। तो फटे पुराने कपड़े में एक गांठ वाली लाठी, टेढ़ी मेढ़ी लाठी लिए वह बूढ़ी महिला मुझसे मिली, मैं उससे मिला। आगे है, सी सेड, उसने कहा अर्थात उस बूढ़ी महिला ने कहा,
आई हैव योर सीक्रेट, मेरे पास तेरा राज है, हेयर यहाँ इनसाइड माई लिटिल बैग, मेरे छोटे थैले में। उस महिला के पास एक छोटा थैला भी था इसका मतलब, और वह महिला उस छोटे थैले को दिखाकर मुझसे बोली कि तेरा राज मेरे इस छोटे थैले में है। तो मित्रों, ये रहा फर्स्ट स्टेंजा। ये स्टिक का फोटो है बक नरेरन का। अब हम सेकेंड स्टेंजा में आते हैं। सेकेंड स्टेंजा दूसरा पद। देन तब, देन सी बिगेन टू केकल एंड आई बिगेन टू क्वैक। तब सी बिगेन टू केकल, जो बूढ़ी महिला थी, समझ लीजिए दुबली पतली और बूढ़ी डरावना सूरत। देन तब सी बिगेन टू केकल, तब वह बिगेन टू मैंने करने लगी, जैसे वो जाने लगा बिगेन टू गो, आने लगा बिगेन टू कम, खेलने लगा बिगेन टू प्ले। ये बिगेन टू लगा कर हम वाक्य बनाते हैं इस तरह से। तो बिगेन टू केकल, वह खिलखिलाकर अट्टहास करने लगी, हा हा करके हंसने लगी। एंड और आई बिगेन टू क्वैक, मैं कांपने लगा, अर्थक्वैक भूकंप, क्वैक मीन्स कांपना, ट्रेम्बल। आई बिगेन टू केकल क्वैक, मैं कांपने लगा शरीर। अब समझ रहे हैं, उस जंगल में गया, आसपास कोई इंसान नहीं है, और तलाश तो करे तो धीरे धीरे एक हिरन का, पर देख लिए एक बूढ़ी, और वो खिलखिला कर हंस रही है, ये तो डर लगेगा ना। आई बिगेन टू क्वैक, मैं कांप गया डर से। सी ओपेंड अप हर लिटिल बैग, वो अपनी छोटा सा जो थैला था खोली, ओपन खोली। एंड आई केम ट्वाइस अवेक, और मैं सचेत हो गया, मतलब एक दूसरी दुनिया में चला गया, दोबारा जाग गया, एक को सोकर जागे हुए फिर दोबारा जाग गया और सचेत हो गया। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि उस बूढ़ी महिला ने जादू अपना बैग खोला छोटा सा, और कुछ स्पेल किया, जादू चलाया, और उसके कारण एक दूसरी दुनिया में मैं पहुंच गया। सराउंडेड मैंने वहीं बेहोश होकर दूसरी दुनिया में पहुंच गया। आई केम ट्वाइस अवेक, मैं सचेत हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो इसका क्या हुआ, सी ओपेंड ऑफ हर लिटिल बैग एंड केम ट्वाइस अवेक, उसने छोटा थैला जैसे ही खोला, मैं उसके बाद वो मुझ पर एक जादू सा कर दी। यही समझे कि वो एक छोटा सा अपना बैग थैला खोलती है और कुछ कहती है, और एक तरह से जादू होता है, मतलब जादू कर दी। तो चलिए, सी ओपेंड अप हर लिटिल बैग एंड आई केम ट्वाइस अवेक, मुझे मंत्रमुग्ध बेहोश सा कर दी। सराउंडेड बाय ए स्टेरिंग, उसके बाद क्या हुआ, बाय स्टेरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू ए स्टेक, मैं खुद को पाया घेरा हुआ, सराउंडेड, किससे घेरा हुआ, एक टकटकी लगाए जनजातियों द्वारा। जैसे ही मुझ पर जादू चला उस बूढ़ी महिला का, मैं खुद को घेरा हुआ पाया जनजातियों से, जैसे आदिम जाति, आदि मानव जनजाति होते ना, तो जनजातियों से घेरा, जनजाति जिसको छोटे छोटे समूह में, कबीलों में रहते हैं लोग, उनका खाना पीना रहन सहन सब अलग अलग होता है, तो ऐसे जनजातियों द्वारा घेरा हुआ पाया, जो टकटकी लगा कर मुझे देख रहे थे। एंड मी टाइड टू ए स्टेक, और मुझे स्टेक से बना हुआ, मैं खुद को पाया अपने को खूटी से बना हुआ। तो ये रहा आपका ओड, ओकुड जिसको बोला है, ओक का ट्री है, ओक ट्री है, ये जो पेड़ देख लो बहुत सारा ओक का है, तो इसको ओक वुड बोलेंगे, ये ओक हुआ, ओक का पेड़ है। आगे थर्ड स्टेंजा में, तो पहला स्टेंजा क्या था, पहला स्टेंजा में मैं धीरे धीरे खोजने गया था हिरन को, पर मुझसे मिली एक बूढ़ी महिला, जो उसने कहा कि उसके बैग में मेरा रहस्य है,
उसके बाद बेग को जब खोली, उसके बाद हंसने के बाद वो हंसी तो मैं कांप गया, बेग को खोली, कुछ मंत्र वगैरह की तो मैं बेहोश सा हो गया, दूसरी दुनिया में जा चला गया। और वहाँ पर मैं खुद को पाया कि कुछ जनजाति द्वारा मैं घिरा हुआ हूँ और मैं बंधा हुआ हूँ इस टेक से। तीसरा स्टेंजा, दे सेठ, यानी कि जो लोग थे मुझे घेरे हुए, दे सेठ उन्होंने कहा, यहाँ पर देश से हम तात्पर्य करेंगे अभी, स्ट्राइप, स्ट्राइप ने कहा, स्ट्राइप जनजातियों ने कहा, वी आर द ओक ट्रीज, हम लोग ओक ट्रीज हैं, ओक के पेड़ हैं, ये ओक ट्रीज हैं, एंड और योर ऑन ट्रू फैमिली, और आपका तेरा सच्चा परिवार, वी आर चॉप डाउन, हमें काटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, वी आर टर्न अप, हमें उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, यू डोंट ब्लिंक एन आई, तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, अनलेस, जब तक नहीं, यू मेक ए प्रॉमिस, आप प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो, अब नाउ यू आर गोइंग टू डाई, अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारा मरना तय है। तो यहाँ पर मित्रों क्या वादा किया जा रहा है देखेंगे आगे, पर यहाँ कहा गया है कि अगर आप वादा नहीं करते हो, उन जनजातियों ने कहा, ओक ट्रीज ने कहा कि अगर आप वादा नहीं करते हो तो आपका मरना तय है, हमें काटा जा रहा है, हमें उखाड़ कर फेंका जा रहा है, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, देख कर ही अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपका अपना सच्चा परिवार हैं, और इसलिए वादा करो। ये क्या वादा करो, तो हम चलते हैं फोर्थ स्टेंजा में, यह चित्र देख रहे हैं कैसे काटा जा रहा है कई कई तरीके से। फोर्थ स्टेंजा चौथा पद में क्या है, वे नम, वादा का सवाल है, ये वादा क्या, प्रॉमिस क्या है देखते हैं। वेन एवर, जब कभी, यू सी ए ओक ट्री, आप एक ओक के पेड़ को देखोगे, फेल्ड, गिरा हुआ, गिराया हुआ, स्वेयर, स्वेयर कसम खाओ, नाउ यू विल प्लांट टू, तब अब जब भी कभी आप देखोगे एक पेड़ को, ओक के पेड़ को कटा हुआ, कट कर गिराया हुआ, तो कसम खाओ अब से कि तुम दो लगाओगे, मतलब दो ओक के ट्री लगाओगे। तो ये यही था प्रॉमिस करने का, जिसका यहाँ पर कहा गया कि मेक ए प्रॉमिस, प्रॉमिस करो। आगे कहा गया, अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बार्क विल रिंकल ओवर यू, अनलेस यू स्वेयर, जब तक आप वादा नहीं करते, यह काले रंग का ब्लैक ओक बार्क, बाग के छाल पेड़ का, ये काले रंग का ओक का छाल जो है, विल रिंकल ओवर यू, आपको लपेटे हुए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एंड रूट यू अमोंग द वॉक्स, तुम इन पेड़ों के भीतर फंसे रहोगे, वेयर यू वेयर बॉर्न बट नेवर ग्रीव, जहाँ आपका जन्म हुआ था लेकिन आप कभी बढ़ोगे नहीं। तात्पर्य है कि आपको जब जकड़ कर रखा जाएगा तो अब इतना सही रहोगे जितना हो, उससे बड़ा नहीं हो पाओगे। तो ये रहा आपका फोर्थ स्टेंजा, जहां पर प्रॉमिस करने के लिए कहा गया है, प्लांट अगर एक कटा हुआ देखेंगे तो दो लगाने का, ये प्लांट का चित्र देख रहे हैं आप। उसके बाद यह फोर्थ पहले भी है, ये स्पेलिंग, ये फोर्थ मैंने आगे होता है, FORTH, चल के कर दे रहा हूँ। हाँ अब ठीक है, ये फोर्थ स्टेंजा हो गया। अब फिफ्थ स्टेंजा पांचवा पद, दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बॉज, तो टहनियों के बीच यही मेरा स्वप्न था। मित्रों स्वप्न क्या था, आपने देखे वह स्वप्न में चले गए थे, जब महिला ने, बूढ़ी महिला ने बेग खोला और कुछ मंत्र सा फूका तो
अपने आप को वो किससे घिरा हुआ पाए, टकटकी लगाए हुए स्ट्राइप से घिरा हुआ पाए, खूंटे से बंधा हुआ पाए। फिर उन ओक ट्रीज ने कहा, ट्राइप ने कहा कि मैं ओक ट्रीज हूँ और आपका सच्चा परिवार हूँ, हमें काटा जा रहा है, उखाड़ कर फेंका जा रहा है, तुम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती, देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकती, आपको प्रॉमिस करना है नहीं तो तुम मारे जाओगे, कि जब भी एक पेड़ देखोगे गिरा हुआ काट कर कसम खाओ कि दो पेड़ लगाओगे, मतलब ओक कटरी, और नहीं तो ये छाल के जो है काले छाल ओक के वो आपको लपेटे हुए रहेंगे और आप इसी में जैसे वैसी तरह बने रहोगे, आगे बढ़े भी नहीं हो पाओगे। तो ये तो सपना फिफ्थ स्टेंजा, दिस वाज माय ड्रीम बीनीथ द बोज, टहनियों के बीच यही मेरा स्वप्न था। द ड्रीम दैट अल्टर मी, वह स्वप्न जो मुझे बदल दिया। किस तरह से बदला हुआ, क्या बदल दिया? व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओक वुड, और मैं जब उस जंगल से बाहर आया, तो इस सपना से जब जागे तो पता नहीं बूढ़ी महिला से मिले, शायद ना मिले हों, खैर इस सपना से जब जागे, वो जंगल में देखा गया सपना था, टहनियों के बीच यही मेरा स्वप्न था। द ड्रीम दैट ऑल्टर मी, वह सपन जो मुझे बदल दिया, ये सपने ने उन्हें बदल दिया। कैसा बदला हुआ? When I came out of the oak wood, जब मैं उस जंगल से, ओक के जंगल से बाहर आया, back to human company, वापस मनुष्य के संग, human company, my walk was the walk of a human child, मेरा चलना मनुष्य के बच्चे का था, but my heart was a tree, लेकिन मेरा दिल पेड़ का था। तो ये रहा आपका फिफ्थ स्टेंजा, और इसके साथ ही ये देखिए बच्चे का ड्राइंग है, ये पूरा हुआ। अब हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में चलते हैं, इस पार्ट से जो भी प्रश्न है खोज खोज के लिखना होता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो पूछा जाता है, ये 8 मार्क्स का रहता है। मान लीजिए इस कविता से अगर आता है तो 8 नंबर का रहेगा, और उसमें ये लाइन दे दिया जाएगा, हिंदी नहीं लिखा रहेगा, ये तो हम समझने के लिए लिखे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ रहेगा, बिना तस्वीर के साथ दिया गया रहेगा, हो सकता है सेकेंड थर्ड स्टेंजा दिया जाए या ना दिया जाए, पर उम्मीद है कि पूरा स्टेंजा देकर फिफ्थ स्टेंजा तक आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढ ढूंढ कर सर्च आउट करके इसी में से लिखना होता है। तो चलिए 8 नंबर का होता है, तो यहाँ पर मैं ढूंढ कर लिख दिया हूँ, आपके एक्सरसाइज का है, यहाँ पर हम इसे पढ़ लेंगे, बार बार हम ढूंढने नहीं जाएंगे, इससे समय भी ज़्यादा लग जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो पहला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनिए। विकल्प मतलब एक प्रश्न के कई रास्ते होते हैं, कई उत्तर होता है, तो इसको विकल्प कहा जाता है, जिसमें से आपको एक चुनना है। संकल्प विकल्प, जब आप संकल्प करते हैं, ठानते हैं, तो कोई एक को करने का ठानते हैं, और विकल्प देखते हैं, मतलब कि आपके सामने बहुत सारा रास्ता है, किस रास्ता से आप जाओगे, ये संकल्प करके फिर चला जाता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को, जैसे ये वाक्य है, क्रीपिंग इन एन ओक वुड द पोएट वाज लुकिंग फॉर, ए जो ब्लू रंग में ना वो वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए चुनिए करेक्ट अल्टरनेटिव, इनमें से कोई सही है चुनकर यहाँ लिखेंगे, मतलब यहाँ लिखने का सवाल नहीं है, चुनेंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। चलिए है, क्रीपिंग इन एन ओक वुड, ओक के जंगल में धीरे धीरे जाकर, द पोएट वाज लुकिंग फॉर, कभी खोज रहा था, फॉर ए क्या, गॉड, राइनोसेरस, स्टेक, बफेलो, तो राइनोसेरस, गॉड, स्टेक, बफेलो नहीं होगा, आपको पता है स्टेक, राइनोसेरस गिंडा को बोलते हैं, बफेलो भैंस को, गॉड बकरी, स्टेक आप तो जानते ही, नरहिरन,
क्रीपिंग इन एन ओक वुड द पोएट वॉज लुकिंग फॉर ए स्टेक. दूसरा, वेन एवर अ ओक ट्री इज फेल्ड, जब कभी एक ओक ट्री को गिराया जाता है, द नंबर ऑफ ट्रीज, ट्रीज की संख्या, पेड़ों की संख्या, द पोएट मस्ट प्लांट, जिसको प्लांट करना है, लगाना है. वैसे प्लांट मतलब पौधा होता, पर यहाँ पर नाउन के क्रिया की तरह प्रयोग हुआ है, पौधा लगाना. इज कितना लगाना है, तो भैया टू लगाना है, एक जाएगा तो दो लगाना है. यहाँ कहा गया था नंबर का. नाउ यू विल प्लांट, देखिए टू देख रहे आगे है. वेन द पोएट केम आउट ऑफ द ओकूट, जब कभी केम आउट आया ऑफ द ओकूट, ओक के जंगल से, हिज हार्ट वॉज दैट ऑफ ए, किसका, ट्री, हार्ट वॉज ट्री, डेट ऑफ हिस्ट्री. आगे अब तो पूरा हो गया. स्टेट बताओ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये जो निम्नलिखित स्टेटमेंट है ब्लू रंग में ए बी सी तीन दिया हुआ है, ट्रू है या फॉल्स, सही है या गलत. प्रोवाइड उपलब्ध कराओ, मतलब दीजिए सेंटेंसेस, फ्रेज, सेंटेंस वाक्यों को, फ्रेजेस शब्दों के समूह को, वर्ड्स शब्दों को, इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर के जवाब में, अर्थात जहाँ से आपको उत्तर मिलेगा कि ये सही है कि गलत, जिस वाक्य से पता चले कि ये आपका दिया हुआ वाक्य सही है गलत, उस वाक्य को आप यहाँ लिख दें सपोर्टिंग स्टेटमेंट में. यहाँ पर टी हो गया, एच छूट गया है, तो यहाँ देखिए हम द बोलेंगे. द ओल्ड वुमेन हेल्ड द पोएट्स सीक्रेट्स इन हर लिटिल बैग, तो बूढ़ी महिला हेल्ड माने था उनके पास, पकड़ी थी, द पोएट्स सीक्रेट्स इन हर लिटिल बैग, अपने छोटे थैले में कवि का रहस्य को पकड़ी थी, थामे थी. बात सही है, ट्रू, तुम बोलती है, सी सेड आई हैव योर सीक्रेट हेयर इन साइड माई लिटिल बैग, इस लाइन में है ना, तो ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट. बी द ट्री ट्राइब, ट्री ट्राइब जनजाति या पेड़ का जाति, सेड दैट द पोएट इज बॉदर्ड, बॉदर ब्रॉदर मने भाई, बॉदर मने चिंता, चिंतित, चिंता करना, द पोएट इज बॉदर्ड, चिंतित थे, हैं कभी चिंतित हैं, टू सी द चॉपिंग डाउन ओक ट्रीज, तो ट्री ट्राइब कहते थे कि यहाँ पर कभी जो है चिंतित होते हैं देखकर जब पेड़ को काटा जाता है, बात गलत है, फॉल्स है, क्योंकि कविता में है वी आर चॉप डाउन वी आर टर्न अप यू डोंट बिलिंग एन आई, अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, मतलब वो चिंतित नहीं है. अगला है द पोएट नेवर केम आउट ऑफ द ओकूट, कभी ओकूट से कभी नहीं बाहर आया, ये भी फॉल्स है, गलत है, क्यों, क्योंकि इस वाक्य में आप जब देखेंगे वेन आई केम आउट ऑफ द ओकूट बैक टू ह्यूमन कंपनी, सीधा से बोला मैं कम आउट, मैं बाहर आया. इस तरह ये पूरा हो गया. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, प्रश्न का उत्तर देखेंगे. वेन डिड द पोएट केम आउट ट्वाइस अवेक, दोबारा कब जाके, वेन द ओल्ड वुमेन ओपेंड हर लिटिल बैग, हर बैग, द पोएट अवोक ट्वाइस, दोबारा जाके लिटिल बैग की आप देख सकते हैं, ये हो गया. अगला है व्हाट वुड हैपन टू द पोएट, कवि के साथ क्या हुआ, इफ ही फेल टू मेक द प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस फेल करता है तो क्या होगा, द पोएट वुड डाई, मर जाएगा, इफ ही फेल टू मेक द प्रॉमिस, प्रॉमिस को वादा नहीं निभाता है तो फेल करता है वादा निभाने में. व्हाट वॉज इट दैट अल्टर द पोएट, क्या था कि कवि को बदल दिया, द ड्रीम ऑफ ए ट्रू फैमिली, सच्चे परिवार का जो सपना था, अल्टर द पोएट, कवि को बदल दिया. अब मित्रों ये पूरा हो गया ग्रामर न्यूज, अब व्याकरण करेंगे इस एक्सरसाइज. चेंज बदलिए फॉलोइंग इनटू निम्नलिखित को, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. डायरेक्ट स्पीच जो कुछ आप कहते हैं उसे इन्वर्टेड कॉमा में सीधा सीधा लिख दिया था, जैसे विल यू गो टू स्कूल टूडे, क्या आप अब स्कूल जाओगे, किसने कहा था, राहुल ने, राहुल के मुंह से अगर ये बात निकला है विल यू गो टू स्कूल टुडे, किसके लिए निकला था, दीपा के लिए, तो दीपा से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है,
पूछा जा रहा है कि क्या तू स्कूल जाएगी आज। अब आप इसका इनडायरेक्ट बदलिए, तो इनडायरेक्ट बने जो सीधा पूछा गया था उसे आप अपनी भाषा में बोलेंगे, अपने वचन में। तो कैसे, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तू स्कूल जाएगी आज, इसको क्या कहेंगे। तो राहुल ने दीपा से पूछा कि क्या वह स्कूल जाएगी आज, आज की जगह करेंगे उस दिन। मान लीजिए कल पूछा गया तो आज तो नहीं है ना, इसलिए दैट डे, तो यही लिख देना है यहाँ पर। देखिए राहुल आस्क्ड दीपा, राहुल ने दीपा से पूछा कि, अब यहाँ की के लिए इफ लगता है, जब भी कोई प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो सहायक क्रिया से शुरू होता है इसका उत्तर यस न होता है, तो सहायक क्रिया जब आप देखें तो आप इफ लगा दें की के लिए। तो राहुल ने दीपा से पूछा कि अब यू किसके लिए आया था, यू विल गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल को पहले आप इसको एफर्मेटिव में बदल लेंगे, जैसे यू के बाद विल होता है, तो यू विल गो टू स्कूल टुडे, एडजेक्टिव सेंटेंस, कथन वाला वाक्य बदलेंगे, यू विल गो टू स्कूल टुडे, तू स्कूल जाएगी आज, ये हुआ एडजेक्टिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग इसी को लिखेंगे, बदलेंगे, ठीक है। इफ यू की जगह सी हो जाएगा, यू राहुल ने दीपा से पूछा था तो यू दीपा के लिए आया था, तो लड़की है तो सी, और विल का पास्ट टेंस वुड होगा क्योंकि यहाँ पर आक्स्ट है, ये आक्स्ट रहने पर सेकंड फॉर्म रहेगा, तो इसको भी सेकंड फॉर्म कर देंगे, इसके अंदर आक्स्ट सेकंड फॉर्म है, इसके अंदर का वर्ब भी सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, राहुल आस्क्ड दीपा इफ सी वुड गो टू स्कूल दैट डे, टुडे का दैट डे। तो क्या समझे हम, हमें ही समझे यहाँ पर कि प्रश्नवाचक अंदर है तो उसे, प्रश्नवाचक को सकारात्मक वाक्य बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है उसके बाद वर्ब होता है, और वो प्रश्नवाचक वाक्य में पहले आपका वर्ब होता है, तो यहाँ पर वर्ब के पहले भी डब्ल्यू एच वर्ड होता है, तो इसका उत्तर आपका डब्ल्यू एच वर्ड हो तो उसी से जोड़ेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है सिर्फ उसको इफ से जोड़ेंगे, इसे जोड़ने का हुआ इफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर अब इसको हम आगे कर देंगे, तो सकारात्मक वाक्य बनाएंगे फिर, तो यू विल गो टू स्कूल टुडे, तो यहाँ क्या क्या बदला, तो राहुल आक्स दीपा, ये तो सेम है क्योंकि पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो आक्स बोलेंगे, ये जैसे बदलेगा ना तो यहाँ बदल जाएगा, ये अंदर वाला मेन है जिसको हम रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, कहा गया बात, अंदर में अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आक्स होगा, या अगर सेट रहता मार्क्स कर देते हैं, अंदर में अगर आपका रिक्वेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा, जैसे दूसरा देखिए, रीता सेड टू आयशा, रीता ने आयशा से कहा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दो, यहाँ पर देखिए प्लीज वर्ड से पता चला कि रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ से भैया प्लीज हटा देंगे, तो प्लीज के लिए हम यहाँ पर सेट टू का रिक्वेस्टेड करेंगे, देखिए रीता ने आयशा से रिक्वेस्ट किया, रीता रिक्वेस्टेड आयशा, और ऐसा प्रश्न, ऐसा इन्वर्टेड कमा के अंदर ऐसा वाक्य, देखिए पांच तरह का वाक्य रहेगा इन्वर्टेड कमा के अंदर, एक एडजेक्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव जैसा कि यहाँ प्रश्नवाचक है, तीसरा ऑप्टेटिव जहाँ पर आपका इच्छा जाहिर किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मे यू बी हैप्पी, चौथा है इम्परेटिव जिसमें आपका इम्परेटिव में आदेश या रिक्वेस्ट किया जाता है, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी, ये पांच तरह का है। तो हम इन वाक्यों को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है विल यू गो टू स्कूल टुडे, विल यू गो टू, ये प्रश्न था तो यहाँ पर आक्स कर दिए थे, यहाँ पर क्या है प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है ऑप्टेटिव है, नहीं आपका इंपरेटिव है, आदेश है ना, आदेश या रिक्वेस्ट है, तो ऐसे वाक्य जहाँ आदेश या रिक्वेस्ट हो
तो यहाँ पर आदेश या निवेदन हो तो उसके लिए हम उसी हिसाब से ऑर्डर या रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर या रिक्वेस्ट होती है, देखिए ऑर्डर तो नहीं है, अगर प्लीज़ हटा देते हैं, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी दो, तो ये ऑर्डर हो गया, तो सेट टू का ऑर्डर हो जाएगा। पर यहाँ प्लीज आ गया तो सेट टू का रिक्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म इज रिक्वेस्टेड हो गया। रीता रिक्वेस्टेड ऐसा, अब ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह क्या करेंगे, अगर डब्ल्यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रश्नवाचक, तो ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसके लिए इफ लगाते हैं, या वेदर, वेदर आपने देखा होगा, वेदर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाला में ये देखिए, ये वेदर, ये वेदर, वेदर या इफ, तो यहाँ पर हम इफ ही कहेंगे, आप इफ लगा दीजिए सिंपल में, इफ लगा देंगे, आप वेदर भी लगा सकते हैं, और इफ या वेदर, पर अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे, और बाकी सब वही रहेगा, ये जोड़ने वाला खाली बता जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी को ले, तो व्हेन विल यू गो टू स्कूल, टुडे हटा दीजिए, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाओगे, तो राहुल ने दीपा से पूछा आप स्कूल कब जाओगे, तो यहाँ क्या हुआ, पूछा है ना, तो आस्क्ड होगा ही, तो राहुल आस्क्ड दीपा, व्हेन यहाँ लिखेंगे, ये जगह लिखेंगे व्हेन, यू विल गो, विल यू, व्हेन विल यू गो टू स्कूल था, इसको फिर से जाएंगे, यू विल गो टू स्कूल होगा, तो उसके बाद भी लिखेंगे सी वी, सी वुड गो टू स्कूल, सेम रहेगा सब, सी वुड गो टू स्कूल सेम रहेगा, यहाँ पर इफ का हो जाएगा व्हेन, वेयर, हो गया। तो ये रहा डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, तो ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा बदलेगा, दो चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको रिपोर्टिंग भर बोला जाता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसके हिसाब से, फिर अंदर को वाक्य, तो अंदर के वाक्य के हिसाब से ये हुआ। इस तरह यहाँ पर क्या है आपका, इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस मैंने ऑर्डर रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ हटाकर यहाँ पर रिक्वेस्ट लिख दिया गया, रीता ने आयशा से रिक्वेस्ट किया कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसको जोड़ेंगे कैसे आप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में ऑर्डर या रिक्वेस्ट रहेगा, मान लीजिए आपको इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो यही तो समझ में आ रहा है, ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर और रिक्वेस्ट रहेगा तो आप टू से जोड़ें उसको, किससे, टू, प्रश्न रहे तो इफ, या जो डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा उसी से, अगर ऑर्डर रिक्वेस्ट पता चले तो टू से जोड़ दें, यहाँ पर टू लिख के बाकी सब सेम उतार देना है, सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है जो प्रोनाउन है, जैसे आई, मी, यू, ही, सी, जो आप देखना आपका पर्सन है, पर्सन आप समझ सकते, पर्सन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका आई, वी, यू, पूरा रूप में ही, हर, सी, सब बदल जाएगा, प्रनाउन ही बोले हम तो ठीक रहेगा, ये बदल जाएगा, प्रनाउन बदलेगा इसके हिसाब से, कभी कभी नहीं भी बदलेगा, आप देखिएगा यहाँ का जो सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से बदलता है। तो यहाँ क्या, रीता रिक्वेस्टेड आयशा टू गिव, गिव चालू हो रहा है, टू गिव मी, मी मतलब रीता ने रिक्वेस्ट किया अपने लिए, तो ईसा लड़की है तो हर बोलेंगे, टू गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर, सेम बाकी ग्लास ऑफ वाटर वही हो गया, तो रीता रिक्वेस्टेड आयशा टू गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर, हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने कहा था कि इसके अंदर देखकर ही बदलेंगे, इसके अंदर क्या था, डब्ल्यू एच वर्ड वाला था, मतलब प्रश्नवाचक था, तो यहाँ आस्क्ड बोला गया, और यहाँ इफ या वेदर, इफ वेदर या डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ना है, यहाँ पर आपका ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला है, यहाँ ऑर्डर रिक्वेस्ट लिखेंगे, यहाँ टू से जोड़ेंगे, अगर इसके अंदर वाला इच्छा वाला होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव, देखिए मे यू विल बी हैप्पी, आप खुश रहो मित्रों, कभी कभी जो इच्छा वाला ना, ये यहाँ पर फुल स्टॉप से भी होता है, तो यहाँ पर फुल एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया है, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स जब देखते हैं तो कभी क्या हम इसको कहते हैं कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखिए, तो आप एक्सक्लेम विद जॉय कर दीजिए, एक्सक्लेम विद सोरो, पर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो है, पर आप एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सोरो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहो, फुल स्टॉप भी हो सकता है, मे यू बी हैप्पी में फुल स्टॉप भी हो सकता है,
मे आई कम इन, या प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, तो ख्याल रखें भाव समझिए क्या है इसका। भाव मे आई कम इन, ये भाव है क्या, यहाँ पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जा रहा है। मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहो, तो ये क्या आशीर्वाद है। आशीर्वाद मतलब जहाँ आशीर्वाद हो, दुआ हो, तो वहाँ विश से हम जोड़ देंगे, विश किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब पांच तरह का सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखकर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मत समझ लीजिएगा, भाव देखिएगा। तो यहाँ पर मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहो, ये भाव है क्या आशीर्वाद का। तो ओल्ड मैन, बूढ़े ने या बूढ़ा बुजुर्ग ने छोटी बच्ची से लिटिल गर्ल को कहा कि आप खुश रहो। उन्होंने बुजुर्ग ने छोटी बच्ची को आशीर्वाद दिया, विस्ट किया, तो बाकी सब वही रहेगा, द ओल्ड मैन वही रहेगा, टोल्ड का जगह विस्ट हो जाएगा। क्यों? मे यू बी हैप्पी से पता चल रहा कि विस्ट किया जा रहा है। हमेशा याद रखिए इसके हिसाब से यहाँ वाला बदलता है। तो मे यू बी हैप्पी विस्ट किया जा रहा है, तो विस्ट कर दिए विस्ट। उसके बाद ये जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह जोड़ेंगे क्या, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे भी किया जा सकता है विज द गर्ल, विस्ट द गर्ल, फिर दैट जोड़ा जाता है, दैट लगा कर लिख सकते दैट, तो मे का आगे जाएगा यू मे बी हैप्पी, यू मे बी हैप्पी जोड़ेंगे हमेशा, इसको सीधा कर लेंगे यू मे बी हैप्पी, तो यू की जगह सी हो जाएगा, सी माइट बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो मे का माइट हो जाएगा, सी माइट बी हैप्पी, तो इस तरह से भी बदलेगा। द ओल्ड मैन टोल्ड द लिटिल गर्ल मे यू बी हैप्पी, तो बोलेंगे द ओल्ड मैन विज्ड द लिटिल गर्ल दैट सी माइट बी हैप्पी, फुल स्टॉप। पर यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर विज दैट, यहाँ पर मैंने ला दिया लिटिल गर्ल के जगह, यू के जगह लिटिल गर्ल में लिख दिया, द ओल्ड मैन विज दैट द लिटिल गर्ल माइट बी हैप्पी, ठीक है, ये अच्छा है, आप इस तरह से प्रयोग करिए, वैसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो बुजुर्ग ने छोटी बच्ची से, बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया कि वह छोटी बच्ची खुश रहे, द ओल्ड मैन विज्ड, द ओल्ड मैन विज्ड, यू की जगह द लिटिल गर्ल ले लिया गया, द लिटिल गर्ल, द ओल्ड मैन विज्ड दैट द लिटिल गर्ल माइट बी हैप्पी, हो गया। अगे डू इज डायरेक्टेड, यहाँ पर अब बहुत समय हो गया, हम इस तरह देख लेते हैं। रजन सेठ हु डज नॉट नो द नेम ऑफ रविंद्रनाथ, चेंज एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। रंजन सेठ एवरीबॉडी नोज द नेम ऑफ रविंद्रनाथ, हर कोई जानता है, एफर्मेटिव हो गया क्वेश्चन मार्क का। कौन नहीं जानता है रविनाथ के नाम को, होते हैं बोले हर कोई जानता है रविनाथ के नाम को। अगला है संगीता रन्स देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास, ये आपका फास्टर का प्रयोग करना था, तो नो अदर गर्ल्स इन द क्लास रन्स एज फास्ट एज संगीता, माफ कीजिएगा फास्टर का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, आप फास्टर देखकर फास्टर मत लिख दीजिएगा, बाकी डायरेक्शन आपको देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए बोला री राइट, दोबारा लिखिए, रिमन दोबारा यहाँ ऊपर राइट में लिखिए, यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ फास्टर, फास्टर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, भाई फास्टर का पॉजिटिव डिग्री फास्ट होगा, फास्ट फास्टर फास्ट टेस्ट या फास्ट, तो ये फास्टर फास्टर का पॉजिटिव डिग्री होगा फास्ट, ये फास्ट इसीलिए यहाँ पर लिखा है, अब तो समझ में आ गया। नो अदर गर्ल्स इन द क्लास रन्स एज फास्ट एज संगीता, हम ये वगैरह डिग्री एफर्मेटिव से अलग कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, समय नहीं है, बहुत हो गया दूसरे एक्टिविटियों में। अगला हम उत्तर देखते हैं, संगीता रन्स देन एनी अदर गर्ल्स इन हर क्लास, रिराइट द यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ फास्टर, अब पॉजिटिव डिग्री फास्टर का ये हो गया आपका। कौशिकी ब्लेम्ड हर फ्रेंड फॉर द ट्रबल, रिराइट यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द ब्लेम्ड, ब्लेम्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा, उसका प्रयोग करना है, या ब्लेम का नॉन ब्लेम ही होता है, ई डी नहीं लगेगा, तो ब्लेम की जगह हम क्या करेंगे, कौशिकी ने ब्लेम किया अपने दोस्त को
इस समस्या के लिए दोष दिया। तो पुट कोसकी पुट द ब्लेम, पुट द ब्लेम, ब्लेम कर दिया ऑन आवर फ्रेंड फॉर द ट्रबल, हो गया केवल पुट का प्रयोग किया है और द ब्लेम्ड, ब्लेम्ड को द ब्लेम कर दिया, नाउन में आ गया। अगला मित्रों राइटिंग इज एक्टिविटीज में नोटिस, आपका जो किताब में दिया गया है आंसर उसको आप अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आप उसी की मदद से दूसरा लिख सके, जैसे कि ये जो दिया हुआ था उसके मदद से लिखा गया है। इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन है, आप सेक्रेटरी हो स्पोर्ट्स क्लब के स्कूल के, 100 शब्दों में आपको लिखना है, टाइम डेट मेनू का प्रयोग करते हुए बताना है, काउंटर साइन में करवाना है, आपका नोटिस इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन के बारे में लिखना है। तो कैसे है ये उत्तर है, ए बी सी हाई स्कूल, आपको अपना स्कूल का नाम लिखिएगा सब बड़ा अक्षर में, फिर नोटिस लिखिएगा बड़ा अक्षर में, फिर उसके बीच में देख रहे हैं तारीख लिख दें, यहाँ 10/7/2019 को लिखा गया है आपका क्लास में जो तारीख होगा। इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये आपका हेडिंग लिख दिया गया है। तो यहाँ पर स्कूल का नाम, नोटिस, जो तारीख आपको लिखना है लिख दीजिए, उसके बाद इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, हो गया ये हेडिंग। इसके बाद शुरुआत ऐसे करेंगे, जो है इस किताब में दिया हुआ था उसके आधार पर लिखा गया है, स्टूडेंट्स आर हेयर बाय, आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा और उसके आधार पर ही आप आसानी से लिख पाइएगा। जैसे देखिए, स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑन 30 सितंबर 2019, ये 10 है तो 23 सितंबर, देखिए 7 का है, इन आवर स्कूल ग्राउंड बिटवीन 11 से 5 बजे के बीच, देर विल बी डिफरेंट इवेंट्स विद विच द स्टूडेंट्स आर एक्वाइंटेड विद थ्रू देयर स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है जान पहचान का जो भी इवेंट्स होगा जानते हैं ना वही इवेंट्स होगा, सो विलिंग रिक्वेस्टर्स आर, सो द विलिंग रिक्वेस्टर्स स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर यहीं पर लिख देंगे आप इसको, टू रजिस्टर दियर नेम्स टू दियर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स विद इन 16/9/2019। देखिए यहाँ पर 7 को नोटिस दे रहे हैं, 2 महीना हाथ में है इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा डेट क्या रखिएगा डेट का, और यहाँ पर देखिए 16/9 को यहाँ है, यहाँ पर 23 तारीख को कंपटीशन होने वाला था, तो 16 तारीख तक आपको नाम लिखा देना है अपना। स्टूडेंट कैन कम्पीट इन मैक्सिमम 3 इवेंट्स, कोई भी 3 इवेंट्स में मैक्सिमम अधिक से अधिक 3 इवेंट्स में भाग ले सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मीट द स्पोर्ट्स टीचर ऑफ द स्कूल, और ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप स्पोर्ट टीचर से मीट कर लें, आप चाहें तो इसको भी अच्छी तरह से रट लें। मेरा कहने का मतलब कोई एक नोटिस जो आपको जुबानी याद होना चाहिए, अब याद हो जाएगा तो फॉर्मेट है, अब इसी के हिसाब से दूसरा लिखेंगे, ये सब सारा फॉर्मेट है, जब तक एक एक चीज़ अच्छी तरह से मैं कहूँगा इसी को आप याद कर लें, इससे आपका उत्तर भी हो जाएगा इसका, और ये बहुत अच्छी बात है, रट लीजिए एकदम। काउंटर साइंट हेडमास्टर, और ये जो है ना ये इज यहाँ पर होगा, ये एच डी मतलब सिग्नेचर, स्टूडेंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स क्लब ए बी सी हाई स्कूल, ये पूरा हो गया मित्रों। और ये जिस लिंक से मैं पढ़ रहा हूँ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप क्लिक करके चाहें तो यहाँ पर आकर इसको लिख भी सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।